दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल इंडिया चैनल में। आज का टॉपिक है एमसीबी। तो आइए एमसीबी के बारे में जानते हैं। एमसीबी क्या है और क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका क्लास है, तो शुरू करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑल फ्यूज नीड टू बी रिप्लेस्ड विद द एमसीबी फॉर बेटर सेफ्टी एंड कंट्रोल। जितने भी फ्यूज हैं सारे आजकल उनको एमसीबी के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है फॉर बेटर सेफ्टी एंड कंट्रोल के लिए। इसका फंक्शन नॉर्मली दो तरह से कर सकते हैं। एक, इसे स्विच के तरह से, ऑन ऑफ स्विच के तरह से यूज कर सकते हैं, और दूसरा, जब मेरा फॉल्ट करंट एक्सेस करेगा तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप कराएगा। इसको मैनुअल भी ट्रिप करा सकते हैं। इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, दो तरह के मैकेनिज्म पे काम करता है। पहला है मैग्नेटिक ट्रिपिंग, दूसरा है थर्मल ट्रिपिंग। मैग्नेटिक ट्रिपिंग में क्या होता है कि जैसे ही फॉल्ट करंट बढ़ता है तो क्वाइल पिकअप होता है, और क्वाइल पिकअप होने के बाद वो प्लंजर को खींचता है और सर्किट को ट्रिप कराता है। थर्मल ट्रिपिंग में क्या होता है कि जैसे ही करंट राइज करता है तो बायमेटलिक स्ट्रिप होता है एमसीबी में, जो हीट होता है, हीट होने के बाद वो बेंड होके अपना पोजिशन छोड़ देता है, जिसके वजह से सर्किट ट्रिप करता है। ये बेसिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म हो गया, और इसका नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से ऑपरेटिंग मैकेनिज्म बताएंगे। अभी चलते क्लास ऑफ एमसीबी। एमसीबी का कितना क्लास है, और एमसीबी तो आप लोग जानते होंगे। एमसीबी में नीचे में थोड़ा सा लिखा हुआ रहता है क्लास, उसका बी टाइप है या सी टाइप है या डी टाइप है या जेड टाइप है या के टाइप है। तो ये बी सी डी जेड एंड के का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। जो हमारा बी टाइप एमसीबी होता है उसका ट्रिपिंग वैल्यू 3-5% ऑफ आईआर होता है। इसका मतलब है कि मेरा रेटेड करंट का 3-5% जाएगा तो ही ये एमसीबी प्रोटेक्शन देगा, यानी कि ट्रिप कराएगा। सी टाइप का जो एमसीबी है वो 5-10% आईआर, मतलब रेटेड करंट का 5-10% जाएगा तो मेरा एमसीबी ट्रिप करेगा। डी टाइप का एमसीबी है 10-20% ऑफ रेटेड करंट। यदि मेरा 10 एम्पियर का एमसीबी है तो उसका 10-20% जाएगा तो ही ये डी टाइप का एमसीबी ट्रिप करेगा। और जो मेरा जेड टाइप का एमसीबी होता है वो 2-3 times ऑफ द रेटेड करेंट, मतलब 2-3 times ऑफ द रेटेड करेंट जाएगा तो ट्रिप कराएगा। सिमिलरली जो के टाइप का एमसीबी है वो 8-12 times ऑफ द रेटेड करेंट होगा तो ये ट्रिप कराएगा। आइए इसका एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं कि इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। जो मेरा बी टाइप का एमसीबी होता है जनरली ज़्यादातर यूज डोमेस्टिक यूज के लिए होता है। डोमेस्टिक यूज जैसे रेजिस्टिव लोड ही डोमेस्टिक में हम लोग यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, लाइट्स यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, तो ये डोमेस्टिक यूज में आता है, रेजिस्टिव लोड होता है, इसलिए इसमें बी टाइप का एमसीबी यूज करते हैं जो 3-5 times ऑफ द रेटेड करंट जाते हैं ट्रिप करा देता है। और जो मेरा सी टाइप का एमसीबी है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। इंडस्ट्री में ज़्यादातर हम लोग लैगिंग लोड यूज करते हैं, इंडक्टिव लोड, जैसे मोटर हो गया, ये सब इंडस्ट्रियल लोड है। इंडस्ट्रियल लोड के लिए हम लोग सी टाइप एमसीबी यूज करते हैं जो 5-10 times ऑफ द रेटेड करंट जाएगा तो ही सर्किट को ट्रिप कराएगा और प्रोटेक्शन देगा। नेक्स्ट है मेरा डी टाइप एमसीबी, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मींस कोई कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है इसका, जैसे कि एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन में डी टाइप का एमसीबी यूज होता है जो 10-20 times ऑफ द रेटेड करंट जाएगा तो सर्किट को ट्रिप करा देगा। नेक्स्ट है जेड टाइप एमसीबी, यह बहुत सेंसिटिव एमसीबी होता है। इसमें 2-3 times ऑफ द रेटेड करंट जाएगा तो ही ये सर्किट को ट्रिप कराएगा, और ये जनरली यूज करते हैं सेमी कंडक्टर डिवाइसेस के लिए, जैसे डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसमें हम लोग जेड टाइप का एमसीबी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा के टाइप एमसीबी। के टाइप एमसीबी ये वहां पे यूज होता है जहां हाई इनरश करंट डिवाइस होता है, जैसे हाई रेटिंग का इंडक्शन मोटर होता है उसमें हाई इनरश करंट लेता है, जिसके प्रोटेक्शन के हम लोग के टाइप का एमसीबी यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।